लड्डू थे, माफी चाहेंगे। थोड़ा अगर ज्यादा बोल जाएं तो, मेरे मैनेजर कहते थे अच्छा करो मुंबई भेज देंगे, आपको गोली देते रहे। तुम बिहारी वर्जन ऑफ बसंती हो। जितनी बातुनी उतनी ही सुरीली। इंडियन आइडल जल्द सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। इस दुनिया में हर किसी को किसी न किसी की तलाश है। हुनर को तलाश है मंच की, मंच को तलाश है सपनों की, सपनों को तलाश है मेहनत की, और मेहनत को तलाश है जुनून की। अगर सच्चे दिल से हो तो तलाश पूरी जरूर होती है। और इंडियाज़ गॉट टैलेंट के इस दौर में भी पूरे देश की एक तलाश पूरी होने वाली है, तलाश विजयी विश्व हुनर की। Dancing with heels. How cool! Arey arey! Heels ne toot gayi. All the best. Bitch, I'm bad. मुझे डांस करना होता है तो मुझे हील्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज आई फील इट्स रियली हार्ड टू डांस इन हील्स। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ डांसिंग ही नहीं, समरसॉल्ट्स किए यार हील्स में,
कितना मुश्किल होता है वो। आपको मेरा हुनर सलाम। थैंक यू मैम। कैसे डिसाइड किया आपने कि आपको ये स्टाइल करना है? मैम ये चीज भी हम लोगों की बहन ने डिसाइड किया, रोशनी ने। उसने हम लोगों को आइडिया दिया कि भाई तुम ऐसा कुछ ट्राई करो। वाओ, इस आइडिया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार। मेरा एक सवाल ये है कि रोशनी, आपने इनको आइडिया तो दिया, हील्स में डांस करने का आइडिया क्यों दिया, क्यों हील्स? सब वीडियो देखा था मैंने, सोचा ये कभी आए काफी बार यहाँ पे, पर कभी ये सिलेक्ट नहीं हो पाए। ये मेरे को बुरा लगता था, तो मैंने एक बार वीडियो देखा और मैंने इन्हें बोला कि कोई ना आप ये लोग ट्राई कर सको, तो इन्होंने ट्राई किया और आज ये यहाँ पे है। और मेरे को लगता है कभी कभार कि ये आइडिया मैंने इन्हें क्यों दिया, क्योंकि लोग इन्हें बहुत बुरा भला बोलते हैं जब ये डांस करते हैं हील्स पहन के, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सब। मेरे को एक चीज बहुत सही लगी, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। आप लोग चंडीगढ़ से हो, मैं भी चंडीगढ़ से हूँ, हमारे इधर के मर्द थोड़ा ज्यादा मर्द समझते हैं अपने आप को, है ना? हील पहन के डांस करेगा, सर अभी भी बोलते हैं लोग। हाँ, मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगती है, किसी को अच्छी लगे ना लगे, कि वो अभी भी बोल ही रहे हैं तुम इस मंच पर आकर डांस करके ऐसी की तैसी कर रहे हो। जी, थैंक यू सर। आप लोगों की बातें मत सुना करो ना, वो आपके घर राशन पानी तो नहीं भेजते, थोड़ी दे रहे हैं, उनको खुद के घर नहीं होगा जो ऐसी बातें करते हैं। इस चीज की नहीं टेंशन लेते हैं। जब रोशनी ने बोला कि भाई आप हील पहन के डांस करो, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था सबसे पहला? सर एक ही तो बहन है, इसकी ना सुने फिर किसकी सुने। बात खत्म हो, क्या बात है, खत्म, बात खत्म है वहां, एक ही तो बहन। बहन मैं भी आज हील पहन के डांस करूंगा तेरे लिए, ले आओ फिर हील्स ले आओ। पहले से शाय समझ में कुछ न आए, बोलो ना क्या किया जाए, खुश हूँ मैं इतना क्यों, तुझको तो बच्चों में क्यों, जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू। ब्रदर्स, रोशनी बड़ा डिफिकल्ट है रहा हील्स में डांस करना यार, तुम कैसे करते हो मुझे नहीं समझ आता। ये समरसॉल्ट मार रहे थे हील्स में। बहुत अच्छा लगा मुझे, यू गाइस वर आउटस्टैंडिंग, मेरी तरफ से बहुत बड़ी प्यार भरी हाँ है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारी तरफ से हाँ, हमारी तरफ से आपके लिए। ओह माय गॉड, समवन क्यूट, many cute children have arrived. Oh, ये तो same pinch हो गया शिल्पा मैम। मैंने थोड़े से ज्यादा पहने। कितने प्यारे smiles हैं ये। है ना? कहाँ से आए आप? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। क्या नाम है आपके इस ग्रुप का? हमारे ग्रुप का नाम अबुजमान मलखम एंड स्पोर्ट्स एकेडमी है। ये किसने रखा है ये नाम? ये नाम हमारे कोच ने रखा है। नमस्कार, आइए आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, मेरा नाम मनोज प्रसाद है, मैं छत्तीसगढ़ में आज 10 सालों से हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के स्पेशल टास्क फोर्स में कार्यरत भी हूँ। ये नाम का क्या मतलब हुआ अबुजमान? अबुज मतलब जिसको अभी तक कोई जान नहीं पाए, माड़ मतलब घना जंगल। ये
यहाँ के ट्राइबल्स खेती बाड़ी से ही उनको उपज करके अपने जीवन को यापन करना होता है, मगर उनके जो कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनमें किसी भी प्रकार की ताकत की कमी नहीं है। भागते भी बहुत अच्छा है, पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, पहाड़ियाँ चढ़ते हैं, तो हमने इसीलिए मलखम खेल से इनकी शुरुआत किया है और अबुजमाड़ मलखम अकादमी का निर्माण हुआ। ये बच्चे गिरते हैं, लगता है इनको चोट, रोते भी है, मगर हार नहीं मानते हैं। ये जो सबसे छोटे वाला बच्चा है क्या है एज होगी इसकी? सुरेश है, इसकी उम्र 6 साल है। और 6 साल का है ये भगवान। चलिए दिखाइए, ऑल द बेस्ट। तुम क्यों गुस्से में खड़े हो चुटकी राम? आपसे बात कहाँ है? सुरेश, बहुत अच्छा किया आपने, आगे बढ़ते जाओ और अच्छा करते जाओ, ये मेरी तमन्ना है। मलखम टीम वर्क और स्ट्रेंथ का इतना तगड़ा स्पोर्ट है और आप लोगों ने उसको इतनी बखूबी निभाया है, आपके कोच साहब को बहुत बहुत मुबारकें। ये आप डंडे पे चढ़े, मैं तो ये डंडे पे चढ़ नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी डंडी है जिसको मैं तोड़ सकता हूँ, जो इस सीजन पहली बार टूटेगी। छोटी तोड़ेगा? तोड़ 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 तोड़। उसकी टांग जितनी है वो। ये पीछे कौन खड़े हैं? हमारे भैया हैं, उनके परिवार से। परिवार से हैं, इनके बड़े भैया हैं। आइए आइए, आप सभी लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, आप भी परफॉर्म कर रहे हैं। जी मैम, हम लोग भी परफॉर्म करेंगे। इन्होंने बच्चों ने, सर ने बताया कि अबुजमाड़ क्या है, लेकिन असलियत मैं बताना चाहता हूँ अबुजमाड़ क्या है। अबुजमाड़ बहुत कम लोग जानते हैं मैम, जैसे यहाँ नॉर्मल जी रहे हैं वैसा कुछ नहीं है अबुजमाड़। हमें वहाँ बहुत डर लगा रहता है। अबुजमाड़ एक नक्सली एरिया है,
के अबुजमात इलाके में हुआ सबसे बड़ा नक्सली हमला, जहां देश के कई जवान हुए शहीद और कुछ हुए घायल। अबुजमात इलाके में नक्सलवादियों का खौफ बढ़ता जा रहा है। गहरे अंधेरे सुनी राहें खामोशियों की पहली बाहें, पल पल है जैसे डूबता दिल, फिर भी ये ढूंढने कोई मंजिल। गांव के हालात नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं वैसा नहीं है। किसी का भी घर पक्का नहीं है। बारिश होती है तो मिट्टी का घर तो बहना ही है। पानी पीने के लिए गड्ढा करते हैं तो उस पानी को निकाल कर ही पीते थे। लेकिन आज यहाँ लाइट में आए हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो जब आए ना हम खाना खाए, ये नसीब नहीं होता हमको, रियल में बता रहा हूँ। खाना ऐसा नसीब नहीं होता हमको जो वहाँ। ये हमारा पहला पीढ़ी है जो हम पढ़ाई किए हैं, उसके बाद ये हमें फॉलो कर रहे छोटे बच्चे। हम चाहते हैं कि वहाँ लोग सुरक्षित रहे। हम चाहते हैं, हम खुद और मेरे परिवार वाले, हमारे परिवार वाले सुरक्षित रहे। लेकिन वहाँ वो सिचुएशन नहीं है। वहाँ पर जीना आसान नहीं है मैम। जैसे बरसात में यहाँ पर आसानी से घूम लेते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। जब बरसात आता है तो 4 महीने पहले हम लोग अपना खाना पहले से लेकर रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर पुल छोटे बड़े जो भी रहते बरसात में वो पूरा बह जाता है मैडम, टूट जाता है। और अगर हम बाहर निकलें तो हो सकता है उस बरसात के पानी से हम बह जाएं या फिर वापस ना आएं। आप लोगों की तो एक छोटी छोटी इच्छा होगी, जीतना, IGT जीतना सपना होगा, लेकिन हमारे ज़रूरत है ये। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे जाएं। और भगवान करे जिस स्थिति से आप आए हैं वो जल्द ही इम्प्रूव हो। ये सरकार करती है ऐसे बहुत सारी चीजें। There is a system. अच्छा। To do it. ये India's Got Talent का परचम मुझे लगता है इनको मिलना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा डिज़र्व है। किसका है साया? ये क्या कर रहे हो यार? कोई दिल में दस्तक? अरे ये क्या लगा रहे हैं इधर, मुझे डर लग रहा है। यहाँ कौन आया? ये आई एम शूटिंग ऑन संजय लीला बंसाली सेट। शिल्पा मेरे को आंखें निकाल रही, क्या बजर क्यों नहीं दबा रहे? और दबा दबा के पागल हो गई, वो बजता ही नहीं है। ऊपर से ये दोनों बेवकूफ कुछ भी मतलब करते जा रहे हैं। आपको अक्ल नहीं है? क्यों करते हो यार, ये क्यों करते हो? भयंकर बकवास। अब लग रहा है जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट शुरू हुआ है। इंडियाज गॉट किरण जी ने बोल दिया, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सीरियसली यार, आई डोंट नो व्हाई दे डू इट। सॉरी,
हमारी तरफ हमारी तरफ से ना है, आप अगली थैंक यू सो मच मैम। नहीं, आप कहाँ से आए हैं पहले मुझे बताइए। अपने घर से मैम। अपने घर से तो आए हो मैम, कभी ये सोचा है कि ये करने के बाद वापस भी घर जाना है कि नहीं? वो तो हमेशा जाता हूँ मैम, कोई दिक्कत नहीं है मैम, खुजली रहती ना। लेकिन कोई अच्छी चीज करनी थी। अच्छी चीज भी लेके आएंगे मैम। ये अच्छी है। चलो ठीक है, माफ करना, मोमबत्तियों की दुकान। थैंक यू, गुड नाइट मेरी तरफ से बिना। बाय। अरे हाय मैम। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप खुश हैं? बिल्कुल मैम, बहुत खुश हूँ मैम। आप तो अमेरिका पहुँच गए। यस मैम, आप सभी का आशीर्वाद रहा। झंडे गाड़ रहे हो। हाँ, आगे चले गए हैं, गोल्डन बाजार मिल गया इनको। आई एम सो हैप्पी फॉर देम। थैंक यू सो मच। हमारा जो अमेरिकाज गोट टैलेंट में जो सिलेक्शन हुआ था, उसकी अनाउंसमेंट यहीं से हुई थी, और इसी के माध्यम से हम लोग अमेरिका पहुंच पाए और अपने इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाए, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए भी। और सिर्फ हम दो स्टेप दूर है इंडिया के लिए ट्रॉफी लाने के लिए, तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए इसके लिए। थैंक यू सो मच। जिनको पिछला सीजन इंडियाज गॉट टैलेंट का याद है ना, उनको ये वाला जंप जरूर याद है। बिल्कुल। किरण जी, इतना फिट भी बैठता है ना, जो इस साल का आईजीटी का जो थीम है और जो बिलीफ है, विजयी विश्व हुनर हमारा, विजयी विश्व हुनर, बिल्कुल आप पे और आपके टीम पे इतना फिट बैठता है। यू हैव प्रूवन इट। तो आज सिर्फ आशीर्वाद लेने आए या कुछ और भी है सीन? मेरा मकसद से मैं यहाँ पे आया हूँ। हाँ जी। कुछ टाइम पहले मैं एक क्रू से मिला, जिस ग्रुप का नाम है एन हाउस क्रू। इलाका तेरा धमाका एन हाउस का। इसने सबको उल्टी चीजें सिखा दी हैं, कलाबाजियां। आई थिंक
इन हाउस ग्रुप ने प्रूव कर दिया अपने आप को। लेकिन अब मैं एक बात करूंगा कि क्या फायदा है परफॉर्मेंस करके, तुमने आगे तो जाना ही नहीं है। क्यों आगे नहीं जाना, कह रहे हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो क्या है, आगे नहीं जाओगे? आगे नहीं जाओगे? सॉरी कि शायद हम नहीं जा पाएंगे। हैं? हाँ शायद नहीं जा पाएंगे, ऐसा ही। सर ऐसा है कि मतलब अगर हम लोग यहाँ रुक गए ना तो मतलब हमारे घर वाले पेरेंट्स मतलब सबके बच्चों के यही लोग रोज काम करते हैं और रोज का उनका जो डैड जो भी मिलता है उनको उनसे का घर चलता है। राहुल क्या फायदा, मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने आगे जाना है या नहीं जाना? आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आईजीटी की कुर्सी पे बैठूंगा। आज अर्जुन भाई ये होस्ट कर रहे हैं शो क्योंकि उन्होंने सोचा था। आज इंसान वही कर रहा है जो वो सोच रहा था। तुम सोच रहे हो कि तुमने आगे जाना है या नहीं जाना? हमें तुम पे इतना भरोसा है कि तुम अगर आगे जाओगे तो तुम हमारे देश का नाम रोशन करोगे, तो क्या तुम आगे जाओगे या नहीं जाओगे? ये दुविधा में है ना, उनके घर वाले इन पे डिपेंड करते। कोई नहीं, अगर मन बना लिया ना तो अपने आप हो जाएगा, हेल्प हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। कुछ तो इनमें से नौकरी करते हैं, जो नौकरी करते हैं उनको तो मैं छुट्टी दिलवा सकती हूँ। लो चलो, लो ये देखो, अपने आप हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। घर संभालना जरूरी है मैं समझती हूँ, बट अपने टैलेंट को भी संभालना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने टैलेंट को संभाल लिया तो उसके जरिए आपका घर संभल ही जाएगा, और आपका जो भी डिसीजन हो वो आपका हक है, लेकिन जो मेरा हक है उसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। तो ये मेरा मन है और ये मैं आपको दूंगी हक से, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। हाथ है पैर हैं, भूखे नहीं मरोगे। तुम में टैलेंट है, मुझे तुम में तुमसे ज्यादा विश्वास है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें अपने पे विश्वास नहीं है क्या? है यार, एन हाउस ग्रुप तुम आगे चलो, देख लेंगे जो होगा। मैं खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। नाम उनका भी रोशन करना है, नाम हमारा भी रोशन करना है, ठीक है? अब काफी चीजें दांव पे लग गई है। यस सर। चलो जाओ सर, ये ले हम लोग। थैंक यू सर। ओए बटेरो सारा कुछ। मेरा नाम मिलेना है, मेरा एज 6 इयर्स है। सिम्बा है मेरा बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि सिम्बा को मैं बहुत प्यार करती हूँ, सिम्बा भी मेरे को बहुत प्यार करती है। मेरे को सपना है कि सिम्बा भी मुंबई में आए, मैं भी मुंबई में आई, और यहाँ से गोल्डन मेडल लेके जीत के जाऊँ घर में, और वो अमाउंट से सिम्बा और मैं आइसक्रीम, सिम्बा के लिए ड्रेस, मेरे को लिए ड्रेस, सब कुछ खरीद लूंगी। ओह माय गॉड, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलिना इंद्रो है। और आपके फ्रेंड का? सिम्बा। क्या करने वाली हैं आज आप? एरियल एक्ट। एरियल एक्ट, वो देख ऊपर लटक रहा है। ऑल द बेस्ट, शुरू करिए। मैं उसको रख। हाँ प्लीज, थैंक यू। ट्रिप डाउट से लोग आ गए हैं एकदम से। क्या नाम है आपके ग्रुप का? नमस्ते सर, हमारा नाम है बॉक्ट्रॉनिका।
तो वोकल और इलेक्ट्रॉनिका को जोड़कर अगर देखा जाए तो वोक्ट्रॉनिका, अगर मैं जो सोच रहा हूँ आप वो करने वाले हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आप वो कर दीजिए, फिर लोग खुद ही समझ जाएंगे कि आप क्या करते हैं। जी सर, है ना। फिर भी आप जैसी चाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम incorporated beatboxing into a cappella. Yes, ma'am. I love it. Very nice. Very nice. बड़ी खुशी होती है कि हम ये India's Got Talent season 10 में 10 सालों के बाद भी हम इतने नए नया टैलेंट इस मंच पर आ रहा है जो कि शायद हमने इस फॉर्म में पहले बहुत कम देखा है या नहीं देखा है। सो थैंक यू। जो आपने बेस बजाया, ऐसा सब बेस मैंने नहीं सुना। एंड द ट्रम्पेट्स, द सब बेस, द पर्कशंस, थैंक यू। ये पूरा बैंड है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। जो पिछले सीजन के हमारे विनर थे, वन ऑफ देम वाज अ बीट बॉक्सर।
वन हाफ, तो हमारा मंच ऐसे मतलब फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड अटपटे आर्ट फॉर्म को बड़ा सपोर्ट करता है. जी सर जी. मेरी तरफ से हाँ है. शिल्पा मैम आपके बोल. थैंक यू थैंक यू. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू बिगिन. यू गाइस वर जस्ट ब्रिलियंट. थैंक यू थैंक यू सो मच. मैम डेफिनेटली आपको और सुनना चाहूंगी. आपको मेरा हुनर सलाम. मेरी तरफ से बहुत बड़ी हाँ है. थैंक यू सो मच. मेरी तरफ से भी बहुत बड़ी हाँ है. मैंने एरियल एक्ट्स पहले भी देखे लेकिन मैंने 6 साल का कोई बच्चा नहीं देखा जो एरियल एक्ट कर रहा हो. और आप इतनी खूबसूरती से एरियल एक्ट कर रहे थे, इतने कॉन्सेंट्रेशन से एरियल एक्ट कर रहे थे ये वाला. और ऑब्वियसली मेरी तरफ से हाँ है इसके लिए. जो आपने किया है वो बहुत कमाल, बहुत बहुत कमाल. अलीना एक्सीलेंट, बहुत अच्छा था. कमाल का किया आपने बेटा. यू वर अमेजिंग. गॉड ब्लेस यू. मेरी तरफ से भी हाँ. थैंक यू मैम. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.